हाय गाइस, मैं अजय कंबोज और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेप फोर के बारे में। तीन स्टेप हम कर चुके हैं हाउ टू सेटअप न्यू बिजनेस के बारे में। पहला हमने किया था मार्केट रिसर्च के बारे में, दूसरा हमने किया था बिजनेस प्लान के बारे में और तीसरा हमने किया था फाइनेंस अरेंजमेंट के बारे में। तीनों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेप फोर के बारे में, जो कि है सर्च फॉर एक परमिशन शॉप या ऑफिस। ये डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ बिजनेस पे। नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से ही हम डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरह की शॉप चाहिए, परमिशन चाहिए या ऑफिस स्पेस चाहिए। तो उसी का हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम रिटेल बिजनेस से। रिटेल बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें वो एक ऐसा बिजनेस होता है, चाहे आप रिटेल कर रहे हैं, किसी फ्रेंचाइजी आउटलेट लिया हो, अपने शोरूम टाइप आप बनाना चाहते हैं, एक अच्छा काउंटर आप खोलना चाहते हैं, चाहे फार्मा में खोलना चाहते हैं, आयुर्वेदिक में, या किसी भी सेक्टर में आप खोलना चाहते हैं, तो उसमें जो आपकी लोकेशन है, आपकी शॉप की लोकेशन है, आपके शोरूम की लोकेशन है, वो मैटर करती है। क्योंकि रिटेल में डायरेक्टली कस्टमर आपके पास आता है, अनलेस कि आप उसमें ऑनलाइन रिटेल से जुड़े ना हो। अगर डायरेक्टली आप ट्रेडिशनल रिटेल में जुड़े हुए हैं तो आपको जो आपकी शॉप है, जो आपका शोरूम है, जो आपके रिटेल काउंटर है, फ्रेंचाइजी आउटलेट है, उसकी प्राइम लोकेशन काफ़ी मैटर करती है। उसके अलावा अगर आप रिटेल किसी जैसे फार्मा से या किसी भी रेगुलेटेड बिजनेस में करना चाहते हैं तो वहाँ पे जो आपकी लाइसेंसेस रिक्वायरमेंट होगी उनके हिसाब से आपको एरिया चाहिएगा। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन या होलसेल की बात करते हैं, अगर हम किसी रेगुलेटेड सेक्टर में काम कर रहे हैं, वहाँ पे बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो जो उसके लाइसेंसिंग अथॉरिटी के हिसाब से रिक्वायरमेंट है वो आपको वहाँ पे पूरी करनी पड़ेगी। अगर आप अनरेगुलेटेड सेक्टर्स में कर रहे हैं जहाँ पे लाइसेंसिंग की कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, तो एरिया या जो स्पेस वगैरह है, जो परमिशन की कंडीशन वगैरह है, वो आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। लेकिन अगर आप रेगुलेटेड सेक्टर में हैं तो आपको लाइसेंसिंग अथॉरिटी के हिसाब से, नॉर्म्स के हिसाब से ही अपनी परमिशन का, उसके एरिए का जितना रिक्वायरमेंट है उनका चुनाव करना पड़ेगा। हम रिटेल की बात कर चुके हैं। आप होलसेल और डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करते हैं तो होलसेल या डिस्ट्रीब्यूशन में लोकेशन ज़्यादा मैटर नहीं करती है, क्योंकि ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास क्लाइंट सीधा चल के नहीं आता, और अगर आता भी है तो उसको पता होता है कि इस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर जिस कंपनी का आप हो वो आपके पास ही मिलेगा, तो उसको आपकी लोकेशन पता होगी। ज़्यादातर केसेज में होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर या जितने भी ट्रेडर होते हैं वो रिटेलर्स के काउंटर पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं चीज़ों को, तो उनके पास अगर क्लाइंट नहीं आ रहा, कस्टमर डायरेक्टली नहीं आ रहा, तो लोकेशन ज़्यादा मैटर नहीं करती रिटेल के मामले में। अगर आप जितने भी सुपर मॉल्स या दूसरे इस तरह के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को छोड़ दो, तो मोस्टली आपकी जो परमिशन है, जो आपकी शॉप का एरिया है, वो ग्राउंड फ्लोर पे होगा तो ज़्यादा बेटर करता है। लेकिन अगर होलसेल या डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में हम बात करते हैं तो आप फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे कहीं पे भी ले सकते हैं, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। अगर हम ऑनलाइन सेलिंग की बात करते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स की बात करते हैं, तो उनमें भी जो आपकी लोकेशन है वो ज़्यादा मैटर नहीं करती। वहाँ पे आपको, या अगर आप अपनी वेबसाइट के थ्रू बेच रहे हो या किसी दूसरी ई कॉमर्स वेबसाइट के साथ बेच के आप अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, तो उसको आप घर से भी कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे भी कस्टमर आपके वहाँ पे नहीं आ रहा है। केवल आपको वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को उस वेबसाइट के हिसाब से ऑप्टिमाइज करके एक अच्छी रैंकिंग पे लाना है। उसके अलावा आप घर से ही वो काम शुरू कर सकते हो, पैकिंग वगैरह करके आपको उनके जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं उन्हीं को हैंडओवर करना होता है पैकेट। हम अब रिटेल की बात कर चुके, डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर चुके हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स, ऑनलाइन सेलिंग की बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं मार्केटिंग कंपनी के बारे में। अगर हम कंपनी के हिसाब से लगाए तो हमें अगर ऑफिस चाहिएगा, अगर आपका डायरेक्टली वहाँ पे क्लाइंट आता है, तो लोकेशन में वहाँ पे एरिया के उसके सेटअप की रिक्वायरमेंट की हमें जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपका क्लाइंट डायरेक्टली आपके पास नहीं आ रहा है, आपका बिजनेस, अगर आप अपनी कंपनी की फ्रेंचाइजी दे रहे हो या ऑनलाइन बिजनेस में वहाँ पे इंडल्ग हो, या फिर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ही हो, लेकिन आपको रिटेलर्स तक अपना मटेरियल पहुँचाना है, पॉसिबिलिटी कम है कि आपका क्लाइंट डायरेक्टली आपके ऑफिस में आएगा, तो ज़रूरी नहीं आप एक बड़ा ऑफिस बनाइए, एक छोटा सा ऑफिस भी बना के काम कर सकते हैं। अगर आपका क्लाइंट वहाँ पे आ रहा है, आपको थोड़ा सा उनको अच्छा इंप्रेशन देना है, तो वहाँ पे आपको बड़े ऑफिस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में हम जितना मिनिमम एक्सपेंसिस रखते हैं उतना ही ज़्यादा बेटर रहता है। जब आपका काम चलने लग जाता है तो कितना भी बड़ा ऑफिस बना सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हम यही कोशिश करते हैं कि जो हमारे ऑफिस पे, हमारे परमिशन पे जो खर्चा आ रहा है वो मिनिमम से मिनिमम रहे, जो हमारे ऑपरेटिंग कॉस्ट रहे वो मिनिमम रहे। अब अगर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करते हैं तो वहाँ पे भी यही चीज़ डिपेंड करती है कि अगर आप रेगुलेटेड सेक्टर में कर रहे हैं जहाँ पे आपको लाइसेंस लेना है, या अनरेगुलेटेड सेक्टर में कर रहे हैं जहाँ पे आपको लाइसेंसिंग वगैरह नहीं चाहिए, तो एरिया जो आपकी परमिशन की रिक्वायरमेंट है तो उसी के हिसाब से डिपेंड कर, क्योंकि फार्मा में जब हम
मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेने जाते हैं या आयुर्वेदिक में भी लेने जाते हैं, वहाँ पे स्ट्रिक्टली रिक्वायरमेंट होती है कि इतना एरिया आपको चाहिए, ये आपको टेक्निकल स्टाफ चाहिए। अगर आप GMP में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के सर्टिफिकेशन में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको उसके नॉर्म्स को पूरा करना पड़ता है। कुछ अनरेगुलेटेड सेक्टर्स की अगर बिजनेस की बात करें वहाँ पे ज़्यादा मैटर नहीं करता, आप 2 या 4 कमरों के किसी भी परमिसिज में अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो उसी के हिसाब से आपके बिजनेस के हिसाब से वो किस सेक्टर में किस इंडस्ट्री में आप काम शुरू करना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको वहाँ पे परमिसिज या लोकेशन की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा आपका जो भी आपकी इंडस्ट्री है, जिस भी इंडस्ट्री में आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसी के हिसाब से आपको स्पेस की, शॉप की, आपके नेचर के हिसाब से आपको बिजनेस की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की आवश्यकता पड़ती है। उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।